वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल देवाशीष में। बहुत बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, उसके लिए पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ। घर में कुछ जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनका जो है स्वास्थ्य जो है कुछ डगमगा गया था। रीजन बिल्कुल सही सोचा आपने, कोविड बिल्कुल सही, कोरोना वायरस। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे फादर और मेरी मौसी, उनको जो है बीच में कोरोना हो गया था, तो उनकी तीमारदारी में हम सब व्यस्त हो गए थे। फिर खुद को भी थोड़ा क्वारंटाइन में रखा और टचवुड इस सिचुएशन से शांति से निकल गए। मैं आप सभी जो मेरे दोस्त हैं और आपके परिवार वाले सबके लिए सबसे पहले हमेशा मैं प्रार्थना करूंगा कि सबका जो है स्वास्थ्य कुशल मंगल रहे। और प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखिए, ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, बहुत देरी से फैल रही है और इसने हाहाकार मचा रखा है। चलिए इस नेगेटिविटी से, मगर अभी कोविड नेगेटिव इज अ पॉजिटिव वर्ड, इस नेगेटिविटी से बाहर निकले और जल्दी से देखें कि आज हम क्या लेके आए हैं। काफी दिनों का गैप जरूर आ गया, मगर शेविंग के साथ मेरा पैशन काफी हद तक जुड़ा भी था। और सही बताऊं, बीच में मैंने कुछ रिकॉर्डिंग बनाई थी, मगर वो उत्साह नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है ना। तो चलिए, पूरी उत्साह के साथ वापस आ गया हूं मैं। और आज किन प्रोडक्ट के साथ हम रूबरू होंगे, सबसे पहले उनको देखते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है, इट्स अ ब्रांड नेम ग्रेफाइट। और कुछ समय पहले मैं रिलायंस, जो रिलायंस स्मार्ट है, इनके स्टोर में गया तो ये मेरे को शेविंग क्रीम मिली। तो मैंने ध्यान से जब देखा तो रिलायंस ये शेविंग क्रीम ग्रेड वन लिखा है इसमें, एंड मार्केटेड बाय रिलायंस रिटेल, मार्केटेड बाय रिलायंस रिटेल, और इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडो हर्बल प्रोडक्ट्स। एंड ये जो इसका हेडक्वार्टर है पंचशील इंक्लेव न्यू दिल्ली में है, और इसकी जो फैक्ट्री जहां बनाई गई है, इट्स इन सिडकुल हरिद्वार उत्तराखंड में। और प्रिंटेड प्राइस इसका 89 रुपीज है, और जो मेरे को इसका जो प्राइस है जो मैंने पे किया वो राउंड अबाउट 60-65 शायद, 20-25 रुपए की छूट थी। ये जो है ग्रेफाइट एक नया प्रोडक्ट है मेरे लिए। इससे पहले रिलायंस का एक मिस्टेक करके मैंने प्रोडक्ट यूज किया था काफी पहले, उसके बाद शायद इन्होंने नया ये प्रोडक्ट निकाला है, हाल ही में लॉन्च हुआ है शायद, तो मैंने कहा उठा लिए मैंने ये। और इसका आफ्टर शेव उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ, इसी कंपनी का आफ्टर शेव। और इसका प्रिंटेड प्राइस जो है 199 और ये मेरे को 145 रुपीज का पड़ा। तो इसके बारे में अपने रिव्यूज में बाद में देता हूँ। सबसे पहले आज हम क्या क्या शोकेस कर रहे हैं आपके लिए, तो ग्रेफाइट की शेविंग क्रीम। इस तरह की पैकिंग है इसकी। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या यूज किए इन्होंने, सॉरी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किए हैं। इसमें है स्टीरिक एसिड, कोकोनट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, परफ्यूम, सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट, ये नया सुना है मैंने वर्ड, बोरेक्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शिया बटर, तो शिया बटर मे बी इट इज एक्टिंग एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इनफैक्ट इसमें इन्होंने लिखा भी है लादर शेविंग क्रीम फ्रेश बर्स्ट विद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो लेट्स सी इसकी आज क्या परफॉर्मेंस रहती है। और ग्रेफाइट के बारे में बताऊं, ये ब्रांड नेम जो है बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है एक विदेशी कंपनी का, तो इन्होंने जो है ले तो लिया है ग्रेफाइट। तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स जो अमेरिकन कंपनी है, उनका जो मैन फ्रेग्रेंस और मैन आफ्टर शेव जो है उनका ये ब्रांड है ग्रेफाइट, जहां तक मेरे को पता है। सो इट हैज बीन यूज्ड बाय रिलायंस। ओके, तो आज मैं क्या क्या यूज करने वाला हूं। दिस इज हजामत जो है वुडन ब्रश, ये पहला वाला जो वुडन ब्रश लॉन्च किया था उसके बाद वाला है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया, अच्छा लादा बनाता है, काफी सॉफ्ट इसके जो ब्रिसल्स हैं। आज जो मैं रेजर यूज करने वाला हूं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, पार्कर 94R, इट्स अ क्लोज कॉम रेजर विथ शॉर्ट हैंडल, बट यस इट्स अ वेटी एंड इट्स अ हेफ्टी रेजर। और इसमें आज मैं लोड करूंगा जिलेट 7 o'clock ब्लैक या जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ब्लेड, आज इसका पहला इस्तेमाल करूंगा मैं। जल्दी से इसको लोड कर लेते हैं पहले।
सो क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब थोड़ा सा जो है प्री शेव की तैयारी में मैं ऑयल जो है वो कम यूज़ करता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ जिसे कहते हैं ईयर में, और गर्मियों में आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग ऑयल और इवन प्री शेव क्रीम। एज यूजल स्क्वीजिंग आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्रश, मेरे को ये जो स्मेल है इस क्रीम की सिट्रसी लग रही है। सो यू कैन सी इट्स वाइट इन कलर और लेमनी स्मेल लग रही है मेरे को। सो लेट्स क्रिएट द लादो। Let me tuck in as usual my collar. So पिछले एक महीने में डेढ़ महीने में क्या सीख मिली? सीखने को यह मिला कि कितने आप प्रिकॉशन ले लो मगर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि कोरोना जो है हमको नहीं हो सकता। द मोमेंट यू आर स्टेपिंग आउटसाइड योर होम, थोड़ी सी भी ढिलाई और आप इसकी चपेट में आ सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेंटेन 6 to 7 feet डिस्टेंस इफ यू आर प्रेफरिंग टू गो एनी पब्लिक प्लेस। जैसे अभी हाल ही में मैं शॉपिंग मॉल गया रिलायंस के और बहुत अर्ली मॉर्निंग चला गया था, जैसे ही बोला और मैंने एंट्री ले ली थी क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरा, यू शुड ऑलवेज कैरी योर सैनिटाइजर विथ यू और कोई भी चीज़ें आप प्रोडक्ट उठाते हो उसके बाद उसको अपने बैग में या शॉपिंग कार्ट में रखने के बाद तुरंत हो सके तो आप सैनिटाइज करिए हाथ को, बिल्कुल भी अपना हाथ जो है आईज और अपने जो है माउथ मुंह के पास बिल्कुल मत ले जाओ। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है करनी। सो डोंट एक्सपोज योरसेल्फ, योर फैमिली मेंबर्स, इवन योर किड्स, और अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी इसकी चपेट में आ जाए तो बिल्कुल भी पैनिक मोड में मत जाओ। टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड, इंस्टेंटली कॉल एंड सॉट हेल्प फ्रॉम योर डॉक्टर, और थोड़े भी सिम्टम्स आपको दिखें तो बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए, तुरंत एक्शन लीजिए। सो एज आई कैन सी बहुत अच्छा लादा क्रिएट हो रहा है इससे भी, और परफ्यूम जो है इसकी स्मेल जो है जानी पहचानी सी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें मगर काफी फ्रेश स्मेल है, सिट्रसी स्मेल है। आज जो मेरी बियर्ड है, जो मेरी दाढ़ी है, ये ऑलमोस्ट 3 दिन पुरानी है। सो गए संडे बीते रविवार को हमारी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन वेट शेवर्स जो हमारा ग्रुप है फेसबुक का, उसमें कई सारे जो है दिग्गज वेट शेवर्स जो है उनके साथ बात करने का मौका मिला और बहुत अच्छे जो है जो हमारे सदस्य हैं इस ग्रुप के, मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए शेविंग गियर के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, करेक्ट, और इस वेट शेविंग को और कैसे प्रमोट करें इसके बारे में नए नए आइडियाज हम लोगों ने शेयर किए। सो आई विल से दैट लवली लादर एज पर कंपनी दिस क्रीम इज फोर्टिफाइड विथ शिया बटर एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो आज मैं पोस्ट शेव में केवल इसी कंपनी का
आफ्टर शेव यूज करूंगा, आफ्टर शेव यूज करूंगा एंड आई विल नॉट अप्लाई एनी बाम। और वैसे भी गर्मी काफी बढ़ गई अभी। आई प्रेफर यूजिंग ओनली स्प्लैश और लोशन। फंटास्टिक लादर, यू कैन सी बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी का लादर है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पास। Parker 94R, it's a hefty razor loaded with Gillette Super Platinum, or I should say Gillette Black blade, and it is first use of this blade. So first pass as usual with the grain. जिन लोगों को थोड़े बड़े मोर देन 3.5 और 4 इंच हैंडल्स का यूज करने की आदत है, उनको जरूर ये हैंडल जो है थोड़ा छोटा लग सकता है। आई प्रेफर अ लिटिल बिट लॉन्गर हैंडल्स, बट इसकी नर्निंग इतनी अच्छी है, इतनी क्लासी है कि बिल्कुल भी फिसलता नहीं है। रेजर जो है बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है। इस बीच में जो इतना गैप मिला, ऑलमोस्ट एक महीने तक कहीं आना जाना बाहर नहीं हुआ, तो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी मैंने। और अगर आप में से कुछ लोगों को पढ़ने का शौक है, इंस्पिरेशनल बुक्स, फिलोसफिकल बुक्स, सो डेफिनेटली आई लाइक दैट। अगर मौका मिले तो एक बहुत अच्छी एक पतली सी बुक है, छोटी सी, ग्रीक फिलोसोफर सेनेका की, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। बहुत ही बेहतरीन बुक, और उसमें यही बताया गया है कि जिंदगी बिल्कुल क्षणभंगुर है और हम क्यों इसको ऐसा जीते हैं कि जैसे हम इमॉर्टल हैं। तो आई रिकमेंड कि आप इस बुक को कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ बाय ग्रीक फिलोसोफर सेनेका। तो पहला पास कंप्लीट, सुपर स्मूथ फीलिंग। अब ये क्रीम का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट कैसा है ये तो मेरे को, क्योंकि मैं भी आज इसको पहली बार यूज कर रहा हूं, तब पता लगेगा जब मैं अपने फेस को बिना कोई बाम या क्रीम लगाए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो में जरूर बताऊंगा कि पोस्ट शेव फीलिंग कैसी रही इसके साथ। बट यस, राइट नाउ दिस क्रीम इज डेफिनेटली गिविंग मी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
Coming to the neck area, as usual, I am going against the grain. आपको फीडबैक की आवाज आ रही होगी रेजर के. तो आज की शेप को मैं, अगर हम रेजर की बात ना करें, केवल आफ्टर शेप और क्रीम की बात करें, तो ये इसको हम बजट कैटेगरी में रख सकते हैं. रेजर इज नो डाउट अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, let me wash the face. Alan, super smooth, nearly BBS quality shave. No stubble here, no stubble here. Pure bliss and pure satisfaction. Chaliye, so let's unbox it. So this is रेड या चेरी रेड कहूं मैं इस कलर को. दिस इज द बॉटल. तेज स्मेल है. यस, अब यही है, सस्ते आप आफ्टर शेव लेते हो. इट्स कॉस्टेड मी 145 रुपीज. तो उस परफ्यूम थोड़ी सी ओवरवेलम कर जाती है. और मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को हल्की मध्यम थोड़ी कम परफ्यूम्स पसंद है. मगर टिपिकल एक जो आफ्टर शेव स्मेल होती है, अगेन काफी कुछ सिमिलर है. थोड़ी सी फर्क लगी मेरे को शेविंग क्रीम से, बट काफी कुछ सिमिलर है. और हल्की सी मस्की, थोड़ी सी स्पाइसी, और बहुत हिंट ऑफ, जिसे कहते हैं, इसमें सिट्रस स्मेल का मिक्सचर है. चलिए लेट्स अप्लाई. तो अल्कोहल है इसमें, इथाइल अल्कोहल, तो सेंसेशन होगा थोड़ा. सरप्राइजिंगली नहीं हुआ इतना. एक मिनट. तो जिस तरह से मेरे को लग रहा था कि इसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, उतना हुआ नहीं. लेट मी रीड the ingredients in this aftershave. It has ethyl alcohol, glycerin है इसमें, menthol है और allantoin है. Allantoin acts as a moisturizing agent. तो glycerin, menthol है, मगर ठंडा मेरे को लग नहीं रहा है कुछ भी. तो menthol वाली feeling तो बिल्कुल नहीं है. Allantoin है इसमें, citronella भी है. Oh God, benzoyl salicylate है और hexyl सिनेल है. इनके बारे में मैंने कभी कुछ पहले नहीं सुना है. तो मुझे लगता है कि जो इंटेंसिटी होती है, वो शार्पनेस होती है, जो स्टिंजीनेस होती है बर्निंग सेंसेशन की, वो शायद ग्लिसरीन और एलेंटोइन की वजह से कम हुई है. तो एलेंटोइन की वजह से जो एक पोस्ट शेव मेरे को फीलिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, वो थोड़ी सी ड्राइनेस कम करेगा. मगर अभी मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगा. तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, क्योंकि टुडे आई एम नॉट अप्लाइंग एनी आफ्टर शेव बाम और क्रीम. आई एम कीपिंग माई फेस एज इट इज. और एज पर दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट, इसमें थोड़े बहुत यू नो मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं. तो
सेंसेशन बर्निंग इतनी नहीं हुई जितनी नॉर्मली करते हैं इस तरह के एल्कोहल इथाइल एल्कोहल रिच आफ्टर शेव। तो इनफ ऑफ बकबक, एज यूजुअल बकबक करने वाला प्राणी वापस आ गया। दिस इज नॉट अ कट, इट इज अ टाइनी स्पेक ऑफ प्लास्टिक फ्लेक फ्रॉम द आफ्टर शेव बॉटल। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ रेगुलर रहूं। आशीष आहूजा जी, जो आपने मेरे को कहा था लास्ट टाइम अपनी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कि सर रेगुलर प्लीज रहिए आप, तो मैं जरूर 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 पूरी तरह से रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। आप देखते हो और इस तरह के कमेंट्स करके आप मेरे को मोटिवेट करते हो, आप सभी लोग, उसका हार्दिक आभारी हूँ। तो अपने लाइक्स डिसलाइक्स जरूर मेरे को आप जरूर उसमें करेक्ट क्लिक करिएगा, अगर आपको पसंद है तो भी आप करिएगा, नहीं पसंद है तो भी डिसलाइक करिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा और ये सब, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो आप कहोगे सर शेयर तो तब करें ना, बनाया करो जरा वीडियो और, तो डेफिनेटली इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ यू दैट आई विल बी मोर रेगुलर फ्रॉम टुडे। और प्लीज़ आप अपने परिवार वालों की, अपनी अपने बच्चों की और आसपास के जितने भी नियर एंड डियर उनको आप बहुत बहुत उनका ध्यान रखिए। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट ये फेज भी निकल जाएगा और जल्दी हम उस नॉर्मल युग में वापस आ जाएंगे। एक चीज जरूर सीखने को मिली कि वो जो सो कॉल्ड नॉर्मल युग था उसकी इंपॉर्टेंस आज हमको पता लग गई है, क्योंकि एक साल दो महीने से हम ये सब करते करते अब कई लोग जो है हताश हो रहे हैं, थक गए हैं इकोनॉमिक रीजन से, सोशियो रीजन से, ये जो इम्पैक्ट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को अब हिला रहे हैं। तो हमें हारना नहीं है भाई, बहुत सारे घरों में जो है जिनके यहाँ कोविड का प्रकोप थोड़ा बड़ा हो गया, कई कमाने वाले मेंबर्स चले गए, सो दीज आर ऑल यू नो वेरी वेरी जिसे कहते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट अब हो रहा है और इट इज़ हिटिंग अस साइकोलॉजिकली। बट देन कोई भी समय जो होता है लंबा नहीं चलता, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आफ्टर डार्कनेस देर इज ऑलवेज अ डॉन, सुबह की शुरुआत जरूर होगी हम सबके जीवन में। और इस अभी के टाइम में बस हमको हम सबका एक दूसरे के साथ ख्याल रखना है। सो आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस फ्रॉम टुमारो और आई विल से टुडे ऑनवर्ड्स। टिल देन गुड बाय, सायोनारा, सब्बा खैर एंड टेक केयर, जय हिंद।